चेंजेज इन द डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक कैसे डिटर्मन होता है वो डिटर्मन होता है बाई द यूजर कॉस्ट एंड बाई द वैल्यू ऑफ मार्जियम प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सो इफ देर इज एनी चेंज इन द मार्जन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर इन द यूजर कॉस्ट सो दिस विल चेंज the डिजायड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूज़र कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं या डिजा मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को चेंज कर सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यूजर कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं इफ़ देर इज अ चेंज इन द रियल इंटरेस्ट रेट इफ़ देर इज़ द चेंज इन द डेप्रीसी रेट एंड इफ देर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल अगर आप रिकॉल करें यूजर कॉस्ट हमने इस तरह से कि दो तरह की कॉस्ट होती है एक तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और वो इंटरेस्ट जाहिर है उसकी प्राइस पे डिपेंड करेगा उस इंटरेस्ट पेमेंट जो है ठीक है उसकी प्राइस पे डिपेंड करेगा तो अगर प्राइस चेंज हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी नंबर वन ये इसका ताल्लुक़ हो गया उस प्राइस ऑफ तो कैपिटल के साथ और इंटरेस्ट रेट अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगी तो फारा गिवन प्राइस ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट पेमेंट्स चेंज हो जाएंगी तो इसी तरह से दूसरी कॉस्ट की नेचर थी कि डेप्रिसिएट करता है कोई भी कैपिटल का यूनिट होता है वो ओवर टाइम वो डप्रिसिएट करता है और उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है सो दिस इज अनादर टाइप ऑफ कॉस्ट सो इन तीनों चीज़ों में जो भी चेंज आएगी दिस विल अफेक्ट द यूज़र कॉस्ट एंड इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक और दूसरा मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल उसमें अगर चेंज आ जाती है तो हम इसे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है आपका प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट करता है उसके नतीजे में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है यूजुअली तो उसके इंक्रीज होने से भी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक चेंज हो जाएगी ग्राफिकली अगर हम इस बात को समझना चाहें तो इस पहला हम केस ले रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल यूज़र कॉस्ट चेंज हो रही है और यूज़र कॉस्ट चेंज हो रही है ड्यू टू अ चेंज इन द रियल इंटरेस्ट रेट हम एज्यूम कर रहे हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं बाकी कौन कौन सी चीज़ें कौन, थी यूज़र कॉस्ट में प्राइस ऑफ द कैपिटल और डेप्रिसिएशन रेट तो वो दो को हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ द कैपिटल इज सेम एंड द डेप्रिसिएशन रेट इज़ सेम बट द इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से क्या होगा ये यूजर कॉस्ट वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है इंटरेस्ट रेट के काम होने से इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड हम लॉस मेड्यूल में हमने अज्यूम किया था कि जी इंटरेस्ट रेट एट परसेंट है और डप्रिसिएशन रेट टेन परसेंट था तो उससे हमारी यूजर और कॉस्ट कैलकुलेट हुई थी एटीन ठीक है प्राइस ऑफ कैपिटल हमने हंड्रेड एज्यूम किया था और अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट एट की बजाय अगर सिक्स परसेंट हो जाए तो यूज़र कॉस्ट एटीन से कम होकर सिक्सटीन हो जाएगा मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का कर्व पहले ए पर इंटरसेक्ट कर रहा था और डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक डिटरमिन हो रहा था फाइव अब क्या सूरत हाल होगी यूज़र कॉस्ट कर्व के डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से अब ए पर पहले क्या था कि मार्जिनल बेनिफिट और कॉस्ट जो थे दोनों बराबर थे इसलिए वहाँ पर हम स्टॉप कर गए थे दिस वाज द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड दिस वाज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट फॉर द फर्म लेकिन अब क्या है कि अब ये यूनिट फर्म को प्रॉफिट दे रहा है क्योंकि अब कॉस्ट कम होगी है बेनिफिट तो वही है लेकिन कॉस्ट कम होगी है तो अब वो अपने कैपिटल स्टॉक में इजाफा करेगा और अब सिक्स जो है ये आप फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक का लेवल होगा इसी तरह से अब हम दूसरा केस लेते हैं कि जिसमें यूजर कॉस्ट वही है उसमें चेंज नहीं आ रही लेकिन ड्यू टू एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है ये इसमें इजाफा हो जाता है और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है तो इसका भी इसी तरह से इम्पेक्ट होगा कि बिफोर द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ए वाज द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक अब उसके अपवर्ड शिफ्ट होने की वजह से वो ए से डी पर शिफ्ट हो जाएगा और उसके कैपिटल स्टॉक में इजाफा हो जाएगा तो ये इस तरह से हमने समझा कि डिज़ायर्ड कैपिटल स्टॉक डिटरमिन किससे होता था जहाँ पर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और यूज़र कॉस्ट इक्वल हो जाते थे अब कोई सा भी फैक्टर जो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करेगा या यूज़र कॉस्ट को अफेक्ट करेगा वो फिर डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक को भी अफेक्ट करेगा एक और बात हम इसमें ऐड करना चाहते हैं अभी तक हमने उसको शामिल नहीं किया था कि गवर्नमेंट के टैक्सेस का क्या इम्पेक्ट होगा डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक पर कि फॉर्म को जो रिटर्न मिल रहे हैं जिसको हम मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कह रहे हैं ठीक है अगर गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स इम्पोज कर देती है तो अब रिटर्न जो यानी मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सपोज 20 है और गवर्नमेंट ने उस पर ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगा दिया है तो उस कैपिटल यूनिट ने तो ट्वेंटी डॉलर अर्न करके दिए लेकिन उसमें से ट्वेंटी परसेंट टैक्स की वजह से फोर डॉलर गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और अब फॉर्म के पास कितने बचेंगे सिक्सटीन डॉलर बचेंगे तो अब जो हमने रिटर्न को कंसिडर करना है वो आफ्टर टैक्स यानी वन माइनस टी टी इज़ द टैक्स रेट ठीक है ये ट्वेंटी परसेंट अगर है वन माइनस थ्री टाइम्स एम पी के दिस विल बी द रिटर्न ऑन द कैपिटल सो अब फर्म ने क्या चूज करना है फर्म इट्स डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक सो दैट द रिटर्न इक्वल्स द यूजर कॉस्ट सो अब क्या चेंज आएगी यानी यूजर कॉस्ट तो वही है जो जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन रिटर्न वाली साइड में एम पी के साथ अब हम वन माइनस टी टाइम्स एम पी के होगा टी इज द टैक्स रेट ठीक है अगर ट्वेंटी परसेंट है तो इसका मतलब है कि अगर एम पी के ट्वेंटी है जैसे मैंने बात की और ट्वेंटी परसेंट टैक्स है तो अब ट्वेंटी को वन माइनस से आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका आंसर सिक्सटीन आएगा तो अब फॉर्म ने सिक्सटीन को इक्वल करना है यूज़र कास्ट के साथ सो यूज़र कास्ट इसी को रीअरेंज करने से वन माइनस टी को अगर आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यूज़र कॉस्ट उसको डिवाइड करेंगे वन माइनस टी से और यूज़र कॉस्ट की आप उसका जो एक्सप्रेशन है उसकी जो है वो पुट कर देंगे आर प्लस डी टाइम्स पी के वन माइनस टी तो अब एम पी के को यूज़र कॉस्ट जो टैक्स के साथ एडजस्ट करके उसके इक्वल करेंगे दिस विल डिटर्मन द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक यूजर कास्ट को जब वन माइनस टी से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे कह रहे हैं टैक्स एडजस्टेड यूजर कास्ट ऑफ कैपिटल सो इफ देर इज एन इंक्रीज इन दिस टैक्स रेट टैक्स पोज इंक्रीज कर जाता है टैक्स रेट ट्वेंटी की बजाय ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा वन माइनस टी विल डिक्रीज टी के इंक्रीज होने से पहले अब वन में से पॉइंट टू माइनस कर रहे थे तो आंसर पॉइंट एट था ना अब टी टैक्स रेट इंक्रीज हो गया पॉइंट थ्री हो गया इससे तो अब वन माइनस टी कितना रह जाएगा पॉइंट सेवन सो यूजर कास्ट को आप पॉइंट एट के बजाय पॉइंट सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नंबर इंक्रीज हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ पाएं कि टैक्स रेट के इंक्रीज होने से यूज़र कॉस्ट अब जो टैक्स एडजस्टेड यूजर कॉस्ट है ये इंक्रीज हो जाएगी सो एन इंक्रीज इन टी विल रेज द टैक्स एडजस्टेड यूजर कास्ट और यूज़र कॉस्ट के इंक्रीज होने से हमने देखा है डायग्राम में कि यूज़र कॉस्ट का कर अपर शिफ्ट हो जाएगा और उससे कैपिटल स्टॉक जो है वो आपका पहले से कम हो जाएगा टैक्सेस के हवाले से जो हमने बात की है हमने एज्यूम किया है सिंपल अपने मॉडल को रखने के लिए कि टैक्सेस जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू पर फॉर्म के इम्पोज करती है लेकिन यूजुअली फॉर्म्स पर जो टैक्स लगते हैं वो उनके प्रॉफिट पर लगते हैं ठीक है और ज़ाहिर है प्रॉफिट पर लगें तो फिर इसमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं ठीक है प्रॉफिट कैसे डिटर्मन होगा वो अब उसमें डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी डेप्रिसिएशन जब ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और इसी तरह गवर्नमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स देती है फम्स को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो उन पर वो टैक्स क्रेडिट्स देते हैं तो इस तरह की और चीज़ें हम इसमें शामिल कर सकते हैं लेकिन बात को सिंपल रखते हुए हमें यह बात समझ में आ रही है कि जब टैक्सिस में इजाफा होगा तो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक कम हो जाएगा एंड वाइस परसन थैंक यू वेरी